इस वाले वीडियो में हम सीखेंगे कि जो हमारे दो मिनी टैरो कार्ड्स हैं उनकी क्या मीनिंग्स हैं और उनसे हम कैसे मैनिफेस्टेशन या हीलिंग अपनी कर सकते हैं। जो हम फर्स्ट कार्ड लेंगे वो है हमारा ये सन कार्ड। अगर आप इसको पास से देखोगे यू विल सी यहाँ पे नंबर बना हुआ है और यहाँ पे द सन लिखा हुआ है। जो सन कार्ड होता है एक टैरो डेक में वो बहुत ही ज़्यादा या सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड माना जाता है। ये सन कार्ड जो हमारा सन होता है उसको डिपिक्ट करता है, उसके एनर्जीज को डिपिक्ट करता है। तो सन के एनर्जीज क्या होते हैं? सन इज पावरफुल, सन इज वार्म, सन ब्रिंग्स हैप्पीनेस, जॉय, है ना। सो वो वाले एनर्जीज को ये कार्ड दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है। सो इससे हम क्या कर सकते हैं? ये हमारे मैनिफेस्टेशंस में हेल्प कर सकता है। आप इस कार्ड पे आप मेडिटेट कर सकते हो थोड़े टाइम के लिए, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी। अगेन इसको आपको कैसे यूज़ करना है, इधर आप मेडिटेट करो या इसको आप अपने पास रखो, अपने वॉलेट में कैरी करो, अपने पिलो के अंदर रखो या आप इसको एज अ बुक मार्क यूज़ करो। ये कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है एंड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज लाता है। सो ये आप ऑलवेज अपने पास रखो। सेकेंड, यहाँ पे इफ यू सी यहाँ पे हमारा लोगो बना हुआ है, अगेन देयर इज़ ए QR कोड। जैसे आपको इसको स्कैन करोगे ये आपको इस वाले वीडियो पे लेके आएगा जहाँ पे मैं दोनों कार्ड्स की मीनिंग और दोनों कार्ड्स को कैसे यूज़ करना है मैं सिखाऊंगी। नाउ द थर्ड कार्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्ड, ये वाला कार्ड है 9 of Cups। अगर इसको आप पास से देखोगे तो यहाँ पे नंबर बना हुआ है और यहाँ पे 9 कप्स हैं जो फिल्ड विद वाटर है। तो इस कार्ड का सिग्निफिकेंस क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ड है टैरो डेक में। ये हम स्पेल्स में यूज़ करते हैं, मैनिफेस्टेशंस में यूज़ करते हैं, मेडिटेशन में यूज़ करते हैं टू फुलफिल आर विशेस। इसको विश फुलफिलमेंट कार्ड भी बोला जाता है। तो इसके लिए इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है और ये हमने स्पेशली आप लोगों के लिए तैयार किया है। ये सारा इमेजरी हैज़ बीन डन बाय अस एंड वी हैव क्रिएटेड एंड आई हैव डन द रेकी चार्जिंग ऑन दिस कार्ड सो दैट यू कैन मैनिफेस्ट विद दिस कार्ड। सो इससे कैसे मैनिफेस्ट करें सो मैं डिटेल में आपको समझाऊंगी। हाय, इस वीडियो में हम सीखेंगे जो हमारे 9 of Cups का कार्ड है इससे हम कैसे मैनिफेस्ट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कार्ड को लेंगे और इसको क्लेंस करेंगे। कोई भी कार्ड हम अगर यूज़ कर रहे हैं उसको क्लेंस करना बहुत ज़रूरी है, और कार्ड्स एंड द क्रिस्टल्स। सो हम इसको कैसे क्लेंस कर सकते हैं? अगर आपके पास सेज हो आप सेज से क्लेंस कर सकते हो, अगर आपके पास नहीं है तो इट्स ओके। हम नॉर्मल धूप बत्ती लेंगे और उससे क्लेंस करेंगे। कैसे क्लेंस करेंगे? ऐसे जो उसका धुआं है उसको धुआं को दोनों तरफ हम ऐसे वो करेंगे। दिस इज कॉल्ड स्मजिंग भी बोलते हैं या इसको स्मोक क्लेंजिंग बोलते हैं। तो इसके स्मोक से हम क्लेंस कर रहे हैं इसको। सेकेंड, हम इसमें हमारे क्रिस्टल्स यूज करेंगे। ये जो क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल है ये ऑलरेडी आपके किट में आएगा। अगर आपके पास और भी क्रिस्टल्स हैं आप उनको भी यूज कर सकते हैं। तो हम क्रिस्टल को भी क्लेंस करेंगे ऐसे धुएं के ऊपर। यू कैन सी दैट, थोड़ी देर करेंगे। कितनी देर करना है? 1-2 मिनट आप करोगे, इट्स मोर देन एनफ। आपको खुद लगेगा कि नहीं बहुत हो गया, ये क्लेंस हो चुका है। सो ऐसे हम इसको क्लेंस कर लेंगे। रन अप व्हाट यू हैव टू डू, हम अपना कार्ड लेंगे उसको यहाँ नीचे रखेंगे। फिर उसके बाद हम अपने जो क्रिस्टल है उसको बीच में रख देंगे, जो क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल है उसको बीच में रखेंगे। फिर उसके बाद अगर आपके पास और क्रिस्टल्स हैं वेरी वेल एंड गुड, सो अलाइनिंग क्रिस्टल्स यूज करेंगे। अगर रिलेशनशिप को लेकर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो हम रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल इसमें रखेंगे। सपोज आपको नया जॉब चाहिए, न्यू अपॉर्चुनिटी चाहिए, उसको आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो तो हम ग्रीन एवेंचुरिन लेंगे, इसको रखेंगे। और बहुत सारे क्रिस्टल्स आते हैं जो इन चीज़ों के साथ अलाइन होती हैं, बट ये मैं बेसिक आपको दिखा रही हूँ। ऑलवेज गेट इन टच विथ मी, मैं आपको बता दूंगी कौन से क्रिस्टल कौन से विश मैनिफेस्टेशन के लिए हेल्प करेगी। थर्ड, अगर आपको हार्मनी चाहिए लाइफ में, बहुत स्ट्रेस हो रहा है, तो यू कैन यूज़ एमेथिस। सो एमेथिस को आप यहाँ रख दोगे। अगर आपके पास कोई भी क्रिस्टल नहीं है फाइन, आप नॉर्मली क्लियर क्वार्ट्ज ले लो, उससे भी बहुत काम होता है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल है और बहुत सारी चीज़ों में काम आता है, इससे भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। बट इट्स ऑलवेज गुड टू हैव अदर क्रिस्टल्स, अलाइनिंग क्रिस्टल्स टू योर मैनिफेस्टेशन। अगर आपके पास क्रिस्टल्स नहीं है आप अपने ब्रेसलेट्स भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन येस
अगर आपके ब्रेसलेट पैसों के लिए है, सक्सेस के लिए है, तो वो वाला आप इसमें रख के अपने लिए पैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो या करियर के लिए कर सकते हो। बट रिलेशनशिप का है, उसको रख के आप पैसे मैनिफेस्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। सो आपके विश के साथ वो जो क्रिस्टल है उसकी अलाइनिंग प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। सो जब हम इसको रख देंगे, रखने के बाद थोड़ी देर हम इस पर मेडिटेट करेंगे, इसको हम देखेंगे थोड़ी देर, उसकी इमेजरी फील करेंगे, क्रिस्टल को देखेंगे, अपना फोकस देंगे, अपनी एनर्जीज देंगे। उसके साथ साथ जो भी हमारा विश है उसको, दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी हमारा विश है उसको विजुअलाइज करेंगे। हम मन ही मन में इमेजिन करेंगे जो हमारा विश है वो ऑलरेडी फुलफिल हो गया, एंड वी आर सो हैप्पी, वी आर फुल ऑफ हैप्पीनेस, ग्रैटिट्यूड, जॉय, एंड हम खुश हैं कि हाँ जो मैं चाह रही थी मुझे मिल गया, आई एम सो हैप्पी। उस जोन में चले जाएंगे, दिस इज हाउ यू एक्चुअली मैनिफेस्ट। और जब आपको लगेगा बहुत खुश है, बहुत देर हो गया, एंड यू आर डन, आपके दिल से सारी दुआएं निकल चुकी हैं, आपने सब कुछ विजुलाइज कर लिया और यू आर फीलिंग वेरी गुड, ओवरवेल, बहुत अच्छा लग रहा है, फिर उसके बाद क्या करना है, आपको क्रिस्टल हटाना है, फिर उसके बाद ये जो एफर्मेशन लिखा हुआ है ये बोलना है। इसमें लिखा हुआ है, ग्रेटफुल फॉर वेयर आई एम एट, एक्साइटेड अबाउट वेयर आई एम गोइंग, द यूनिवर्स हैज़ माई बैक। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे मैं हूँ, आई एम ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स, एंड यूनिवर्स, मैं जहाँ चाहती हूँ यूनिवर्स मुझे वहाँ लेके जाएगा, और यूनिवर्स इज ऑलवेज हैविंग माई बैक। इसका मतलब है मेरे सब सारा कुछ हैज़ बीन टेकिंग केयर ऑफ द यूनिवर्स। जब हम ये एफर्मेशन बोलते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हमने अपनी विश फुलफिल कर ली है, हमने मान लिया है कि यस हो गया है, वी ट्रस्ट द यूनिवर्स, हमने सब कुछ यूनिवर्स के हाथ में छोड़ दिया है, एंड वी आर मूविंग अहेड। जब ये हो जाएगा, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, स्टॉप वरिंग कि मेरा फुलफिल होगा नहीं होगा। ये एफर्मेशन का मतलब यही है कि आपने सब कुछ यूनिवर्स के हाथ सौंप दिया है। वो होता है ना, भगवान के हाथ हम छोड़ देते कि ही विल डू द रेस्ट, तो ये एफर्मेशन का मतलब यही है, यूनिवर्स विल ऑलवेज हैव योर बैक। और इसको आप जितनी बार हो सके, दिन में एक बार, चार बार, आप ये एफर्मेशन ज़रूर बोलें। और जब ये एफर्मेशन बोल ले, यू मस्ट बी फीलिंग रियली गुड। फिर उसके बाद यहाँ पे एक विश लिस्ट बना हुआ है, सो आपने जो भी विश किया है उसको आप यहाँ पे लिख सकते हो, या बाद में भी लिख सकते हो, जब वो विश फुलफिल हो जाता है तब भी आप लिख सकते हो। बट एडवाइजेबल है कि आप अपनी विश यहाँ पे लिखो, और वो यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है, जब आपकी वो विश फुलफिल हो जाए उसको यहाँ पे टिक कर दो। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज, स्टार्ट डूइंग इट, आपको बहुत मज़ा आएगा। और स्टार्ट विथ स्मॉल विशेज, बहुत ज़्यादा नहीं, छोटे छोटे विशेज जब आप करोगे आपको बहुत एक्साइटिंग लगेगा, और तब आप बड़े पे जाना, क्योंकि अगर आप पहले ही बहुत बड़ा विश कर लोगे उसको टाइम लगेगा फुलफिल होने में, तो मज़ा नहीं आएगा। सो छोटी छोटी चीज़ें आप मैनिफेस्ट करो इससे, अपने क्रिस्टल से स्टार्ट लर्निंग द प्रोसेस, ये आपको लॉन्ग रन में बहुत हेल्प करेगी। एंड आप जब आपकी विशेज फुलफिल हो, टेक अ पिक्चर एंड सेंड इट टू अस, वी विल लव इट, एंड वी लव टू बी अ पार्ट ऑफ योर मैनिफेस्टेशन जर्नी।